चल जी, सारी बहने रो रही है, सारी बहने रो रही है। अरे आप लोग चलिए, भाई हुई है तुम लोगों का। उठिए, अरे भाई हूँ मैं सर नहीं हूँ, भाई हूँ। उठिए उठिए, अरे भैया आपके साथ है, आपको रोना नहीं है बाबू, हम भाई हैं। आपको रोना नहीं है, बहुत सारे भाई बहन आप लोगों के साथ खड़े हैं। अररिया से आए हैं, इतना दूर से, अलग अलग जगहों से, सब मध्य प्रदेश में था जी। मुझे आने में समय लगा, मैं गाड़ी से मध्य प्रदेश में था, आने में समय लगा, परिवार ने कुछ नहीं बोला। रक्सौल में दलाल लोग जो है चाटी छा पत्रकार कहना शुरू कर दिया मुझे, ये परिवार लाइव आके, वो भी लाइव आके, वो भी लाइव आके जी। अब बताइए गलत है कि नहीं? वो लोग आग लगा रहे थे, पता है क्यों? कि मनीष कश्यप को भड़का दो, मनीष कश्यप नहीं आएगा, परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, और थाना में जाकर दलाली करेंगे वो लोग। वो लोग दिन रात रहते हैं भैया, हम पे आरोप लग रहा है कि इनके अच्छा एक बात सर, ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के आर्मी के साथ ऐसा किया जा रहा है? क्या जानबूझ के पुलिस वाले बिहार में मंत्री आर्मी के खिलाफ जवाब दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि आर्मी के जवान हिजड़ा होते हैं, दिए है कि नहीं? मंत्री नीतीश कुमार जी ने कौन सा कार्रवाई किया? क्या पता उसी का साजिश हो कि ऊपर से फोन आया, वो आर्मी के जवान को दौड़ा के मारो, ताकि आर्मी के जवान को जो है उसका इज्जत हनन किया जाए। आर्मी का जवान जो है ना, अपने स्वाभिमान और इज्जत के साथ समझौता नहीं करता है, तिरंगा के में लिपट के घर आ जाता है, लेकिन पीठ दिखा के नहीं आता है। उस आर्मी के जवान को मारोगे और हम लोग छोड़ देंगे? अरे मेरे दादाजी फौज में, मेरे पिताजी फौज में, मेरे बड़े पापा फौज में, मेरे दादाजी के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी, अरे हम लोग उस परिवार से। सर एक बात बताइए, आज दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, आग्रह कर रहे हैं। अरे इस आदमी का मैंने वीडियो देखा, ये कह रहे हैं कि माफ कर दीजिए, माफ, कालर पकड़ा गया, कालर। अरे आर्मी के जवान वाले, आप लोगों के एक दोस्त को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है मनीष भैया, इन लोगों को सबक सिखाना होगा। जब पुलिस वाले गुंडे आर्मी को नहीं छोड़ती है तो आम आदमी को कैसे? आप लोगों रोने नहीं है, मैं आपके परिवार का हूँ, हम सब साथ हैं आपके, मैं आपके परिवार का हूँ, आपको रोने नहीं है। इन लोगों को सबक, इनको आप गिन सकते हैं, इनके पति जो है वो जेल में है, और इनको देखिए ये कैसे रो रही है। नेता तुम लोग नामर्द बन गए हो, और क्यों नहीं आया इस परिवार के सामने? अगर ये परिवार गलत था तो पुलिस वाले को छुट्टी क्यों दी गई? अगर ये परिवार गलत था तो पुलिस वालों को लाइन हाजिर क्यों किया गया? और अगर पुलिस वाले को लाइन हाजिर किया गया तो आर्मी के जवान को दौड़ा दौड़ा के क्यों मारा गया, और आर्मी के जवान को जेल क्यों डाला गया? ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये हाथ जोड़ रहे थे, एक बात और सर, कोई आर्मी के जवान से अपनी बेटी का शादी कैसे करेगा? एक महीना पहले इनका शादी हुआ था, गाँव में कोई इनका शकल नहीं देखा होगा, गाँव में कोई आदमी शकल नहीं देखा होगा, आज कैमरा के सामने आकर रोना पड़ रहा है भैया। इनका इनको गलत मंगलसूत्र, दुपट्टा, अंगूठी आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, और गलत जगह इनको टच भी किया। बंद करो जेल में, जितने लोगों को बंद कर सकते हो यार। हम लोग चुप रहते हैं बहुत सारे मेट्रो पे, खुल के मैं बोल रहा हूँ, चुप रहते हैं। बल्थर में कांड हुआ, चुप रहे हैं हम लोग। छपरा में कांड हुआ, चुप रहे हैं हम लोग। ये पटना में जो पार्किंग विवाद हुआ, चार लोगों को गोली मार दिया गया, चुप रहे हम लोग। लेकिन आर्मी के जवान को तुम लोग दौड़ा के मारोगे और चुप रहेंगे तो इतिहास हम लोगों को नामर्द कहेगा, और हम लोग नामर्द नहीं है, गलत किए हो तुम लोग, और सजा मिलना चाहिए। और वो पुलिस वाले ऑफिशियली आके सबके सामने माफी मांगे कि मेरे से गलती हुआ है, माफी मांगे, चाहे वो कोई पुलिस वाले क्यों ना हो। भैया यहाँ तक कि पत्रकारों को भी धमकी दिया जा रहा है भैया। अरे पत्रकार को तो गोली मार दिया जाता है बिहार में, पत्रकार पत्रकार के लिए नहीं खड़ा होता, पत्रकार तो एक दूसरे पत्रकार को गाली देने में व्यस्त है, तो कहां से पत्रकार को जो है इज्जत मिलेगा? आपको भी आरोप दिया जा रहा है। अरे सबको 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 दिया जा रहा है, आपको भी लताड़ा जा रहा है। देखिए परिवार ने, सुनिए मैं बताता हूँ, इस परिवार ने मेरे बारे में एक शब्द गलत नहीं बोला है, बिल्कुल एक आर्मी के साथ हुआ, कल हो सकता है दूसरे आर्मी के साथ भी ऐसा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मैं इस केस में मैं इसलिए आवाज उठा रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरे पिताजी बाहर रहे हैं, अभी भी बाहर है, मेरी माँ घर पे रहती है, घर पे कभी कुछ गलत होगा कौन आएगा साथ देने? आप बताइए, हम अभी तक किसी अपराधी के साथ वैसा सलूक नहीं देखे हैं जैसे एक जवान के साथ किया, जवान के साथ किया। अरे ये हाथ जोड़ रहे थे, गोड़ धर रहे थे, वीडियो है, देखिए वीडियो पर। आम आदमी कैसे जिए? देखिए सारे पुलिस वाले गलत नहीं है, अपने बिहार के ही मनु महाराज है कि नहीं है? कितना अच्छा काम करते हैं,
लेकिन इन परिवार को इंसाफ मिलेगा यार। देखिए कमाल की बात यह है कि उस आर्मी के जवान को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि वीडियो वायरल होने के बाद आर्मी के जवान को जो है जेल में डाल दिया गया। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है कि आर्मी के जवान वाले जब मिलने जा रहे थे तो आप लोग थाना नहीं बता रहे थे? आर्मी का जवान आतंकवादी था क्या? आर्मी का जवान आतंकवादी था कि आप नहीं बता रहे थे कि किस थाना में किस हाजत में आपने लॉक करके रखा है उसको? बताइए, यहाँ के राधा मोहन सिंह हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, ये ना जाने कोई नेता नहीं आ रहा, कोई नेता आना चाहिए एकदम। आपको बोलो और वीडियो बनाते समय वीडियो देखिएगा, मैंने सबको फोन किया, बड़े बड़े विधायक को भी फोन किया है, बड़े बड़े नेता लोगों को और वीडियो बनाते समय मैंने फोन किया, कोई नहीं। और आर्मी के लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि जब आपके परिवार वाले सुरक्षित नहीं रहेंगे और आप बॉर्डर पे खड़े रहेंगे तो जरा सोचिए कि ये तो देश के लिए दुर्भाग्य होगा। तो जितने भी आर्मी के जवान हैं, चाहे वो भूतपूर्व जवान हो चाहे वर्तमान जवान हो, इस परिवार के लिए आंसर कोई एक महीना जिसका शादी हुआ हो वो पत्नी जो है मीडिया के कैमरा के सामने आके रोएगी कि मेरे पति को मारा गया, मेरे पति, अरे इनके पति जो है ना, जब देश पे जो जब जब ये कुछ होगा ना, जब देश के साथ जब चीन या पाकिस्तान से युद्ध होगा या बांग्लादेश से युद्ध होगा ना, तो अपनी जान की बाजी लगा देंगे देश को बचाने के लिए। और इनके पति को साला दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है रक्सौल में, कोई आवाज नहीं होता था। अरे नामर्द है लोग, वो लोग जिनके आंखों के सामने जो है ना इनके पति को मारा गया, नामर्द है वो लोग। मनीष कश्यप के आंख में आंसू भरते हुए, डाल दो जेल में हमें, डालो, देखते हैं। छपरा कांड पे हम कुछ नहीं बोले थे, जानते हैं काहे? काहे कि वहाँ पे एक आर्मी के जवान का सवाल नहीं था, यहाँ पे आर्मी के जवान का सवाल है। और जो ट्विटर फिटर जिस पे डालना है डाल दो, आग लगाने की बात करते हो ना तुम लोग, यार जो आर्मी का जवान देश में आग बुझाता है और उस आर्मी के जवान को जेल में डाल देते हो, तुम्हारे सलाखों में इतना दम नहीं है कि इस आर्मी के जवान को जेल में रख कैद कर सको, छुड़वाएंगे हम लोग। और ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, एकदम गलत। पुलिस वाले छोड़ दिया छुट्टी पे। हम लोग एग्जाम देने जा रहे थे, लोग एक मौलवी साहब के लग गया चोट, गिर गए, वहाँ पे आए लोग, हम लोग उठाने लगे, लोग बोले लो भैया आपको इलाज कराएंगे, एग्जाम देने जाने दीजिए। वो बोले जे वहाँ पे आए जितेंद्र सर आए, बोले जे एग्जाम देने हम लोग के जाना है सर, आप यहाँ पे देखिए। तो बोले हमारे पति जा रहे हैं गाड़ी लगा कर, तो हम दिखाएंगे, एग्जाम के टाइम हो गया है, पुगा कर हॉल में से। बोल रहे हैं जो नहीं जाना है, एडमिट कार्ड छीन लिए। मेरे पति बोले जो नहीं, भीड़ है बहुत ज़्यादा, एग्जाम के टाइम हो गया है, जाने दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट किए वहाँ पे, वो नहीं जाने दे रहे थे। इतना ही पे जितेंद्र सर बोले, गाली देने लगे, साला बहनचोद तुमको बोले हैं गाड़ी लगाने के लिए, तुम नहीं लगाएगा? तो बोले जी एग्जाम के टाइम हो गया है, हम आ रहे हैं पुगा कर, तो हम ले जाकर दिखाएंगे और गाड़ी ले चल के थाना में लगा देंगे। इतना ही पे उनको धक्का दे दिए, वो गिर गए, मारने लगे, बस वहाँ पे गए, हमको भी धक्का दे दिए, गिर गए, हमारा मंगलसूत्र भी वहाँ पे टूट के गिर गया, ले लिए जितेंद्र सर। उसके बाद हम एग्जाम हॉल में चले। जब एग्जाम के बाद बाहर निकले तो आपको क्या जानकारी मिला? जी हमको जानकारी यही मिला जो घसेट के मारते हुए और लॉकर में भी मारे हैं जितेंद्र सर। गए वहाँ पे, हम देखे तो पूरा फट गया था, खून गिर रहा था, वहाँ पे हम गए तो बेहोश हो गए देखकर। जी वहाँ पे क्या हुआ था आपके पति के साथ? मिली आपने उनको, देखा चेहरा? जी, देखा जी, देखे जी। हम बहुत मारे थे वहाँ पे भी।